बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो एक क्लिप आपके साथ शेयर कर दूंगा, मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा रहा हूँ। मैं इसमें मैं तमाम परदेसी भाइयों को जिस चीज़ से आगाह करूँगा वो ये है जी कि किसी भी सऊदी खातून को कोई भी किसी किस्म की आप उसको हरासा करते हैं, उसको कोई भी किसी किस्म के अल्फाज बोलते हैं या उसका पीछा करते हैं, उसके ऊपर आपको सजा या फाइन क्या होगा ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। नंबर दो, ये कल का वाकया है, कल ईद की नमाज के दौरान ये वाकया पेश आया और मुझे एक 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 चीज़ के ऊपर हंसी भी आई है ये वीडियो देखने के बाद। किस चीज़ के ऊपर, आपको मैं वीडियो क्लिप साथ में चलाकर दिखा देता हूँ भाई, आप खुद भी देख लीजिएगा। आपको पता है कि सऊदीया में हम आम यहाँ पर आपको मैं एक आध वीडियो अपनी खुद की शेयर कर रहा हूँ मैं, हम जब भी ईद नमाज पढ़ते हैं मस्जिद के अंदर या बाहर, और ख्वातीन अगर मस्जिद के अंदर जगह फुल हो जाए तो वो मर्दों के एक तरफ ख्वातीन भी बैठ जाती हैं, यानी कि दरमियान में तो नहीं, यानी कि इकट्ठे तो नहीं, एक तरफ ख्वातीन भी बैठ जाती हैं ईद की नमाज के लिए। और ये वाकया ही कुछ इस टाइप का पेश आया, आपको साथ में मैं क्लिप चला कर दिखा रखा हूँ मैं, आप देखते जाएँ। इसमें एक सऊदी खातून बाकायदा इसकी वीडियो बना रही है, पहले ये मर्दों की तरफ था ये बंदा, कौन सा बंदा देख ले आप क्लिप, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, और बंदे उससे दूर भाग रहे हैं, ठीक है। उसने हाथ में एक चाकू पकड़ा हुआ है, ठीक है। और नंबर दो, जो वीडियो सामने आई इसी बंदे से रिलेटेड, इसके साथ हुआ क्या ये वो भी आपको बता देता हूँ मैं, वो वीडियो भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। उसमें क्या है, ये बाकायदा ख्वातीन की तरफ दौड़ता है और ख्वातीन वहाँ से भाग जाती हैं और छोटी बच्चियाँ भी साथ में ख्वातीन का, तो बनता है कि अगर कोई शख्स उनकी तरफ चाकू या छुरी लेकर भागे तो वो भाग जाए, मर्दों का तो वो भी इतने हजूम में एक मर्द, तो आप जैसे तैसे करके इधर से उधर से करके उसको पकड़ लें। अच्छा, बहरहाल ये वीडियो क्लिप सामने आए, उसके बंदे ये कतीफ में वाकया पेश आया, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ मैं, और इस पागल शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है जी। अभी तमाम परदेसी भाई, तमाम मेरे गैर मुल्की भाई, जो कोई भी किसी किस्म की, अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसी कोई हरकत तो नहीं करता है, अगर खुदा न ख्वास्ता कोई भी गैर मुल्की मेरा परदेसी भाई किसी भी सऊदी खातून के हरासा करने की, कोई भी किसी किस्म की डराने की धमका, आप ये बोल लें कि अगर उसको छेड़ने की भी गलती करता है तो भाई इस चीज़ के ऊपर 10,000 रियाल का फाइन, साथ में 6 माह कैद और बंदा बाद में डीपोर्ट, ये कानून है जी सऊदी गवर्नमेंट का। तो ऐसी कोई भी हरकत कोई भी बंदा मत कीजिएगा, भूले से भी मत कीजिएगा, परदेश है, लाइफ एंजॉय करें, अपना पैसा कमाएं, फैमिली के साथ जाकर फिर एंजॉय करें।